पुरसकून सी एक जादू नगरी, स्याह हुसन जहाँ है हर सू बिखरी, पत्तों के साज में मिलकर झुक झुक करती रेल गुजरती, तारीख की प्यारी चादर पर नवादरात का जगमग जुर्मट है, यहाँ इल्म हुस्न साथ में है, ये नगरी चैन समंदर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान इरम खान और आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। हरे हरे दरख्तों के बीच किसी महल के राजा की मानंद पुरवकार अंदाज में खड़ी ये इमारत है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन। जमाने की तेज़ी को पसंद करने वाले अगर माजी की खूबसूरती देखना चाहते हैं तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का रुख करें, जहां बरगद के घने दरख्तों के पास से गुजरती ये ट्रेन मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान के रिवायती सफ़र को उजागर करती है। 1926 से 1940 के दौरान जड़ावाला और फैसलाबाद के दरमियान रेलवे ट्रैक कायम किया गया, जो कि आज भी लायलपुर रेलवे लाइन के नाम से मौजूद है। ये स्टेशन तकरीबन एक सदी से हज़ारों मुसाफिरों को सर सैयद, कराक्रम और पाकिस्तान एक्सप्रेस से सफ़र की सहूलत फराहम कर रहा है। हालिया बरसों में स्टेशन में जदीद तब्दीलियां रूनुमा हुई, जिनमें डिजिटल टिकटिंग और ऑनलाइन बुकिंग की सर्विसेज के अलावा हंगामी सूरत हाल पर काबू पाने के लिए रेलवे पुलिस और हेल्पलाइन नंबर की सहूलत भी फराहम की गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन बुनियादी तौर पर कार्गो स्टेशन है, क्योंकि कराची की समुद्री बंदरगाह तक मसनूआत के दरामदात और बरामदात का काम इसी रेलवे स्टेशन के जरिए सरंजाम दिया जाता है। स्टेशन पर खड़े खराब इंजन के बारे में कहा जाता है कि इसका ताल्लुक माजी के किसी राजा से है। स्टेशन की इमारत और इसके पहलू में मौजूद बस स्टेशन आज भी माजी को हमारे सामने ला खड़ा कर देता है। जदीद दौर में मुसाफिरों की तादाद कम ही सही, लेकिन स्टेशन खसारे में नहीं, जो कि इसकी जिंदा दिली का नमूना पेश करती है। कदीम रेलगाड़ियों के साथ 125 साल पुरानी ये इमारत आज भी बरतानवी राज की याद ताज़ा करती है। खानेवाल वजीरा ब्रांच लाइन पर मौजूद 324 किलोमीटर लंबा ये निज़ाम आज भी 7 प्लेटफॉर्म्स की मदद से हज़ारों मुसाफिरों को कराची, लाहौर, कोयटा, पिशावर और दीगर शहरों तक पहुंचाता है। सफरी तरीकाकार बदल जाने के बावजूद भी रेलगाड़ी आज भी उन्हीं कदीम पटरियों पर चल रही है। जार से गिरा हुआ ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन किसी समुंदर की मानंद रेलवे तारीख की लहरों को खुद में समोए एक पुरकशिश वादी का मुकाम है। इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।